नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का, और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है इटली के प्रधानमंत्री ग्विसेप कॉन्टे ने कहा है कि वह यूरोपीय आयोग के प्रमुख जिन कॉर्ड जंकर के उत्तराधिकारी के रूप में किसी महिला को देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय आयोग के नए प्रमुख को लेकर वहां पर चुनावी प्रक्रिया चल रही है। हांगकांग पर अपना अधिकार जताने वाले चीन पर निशाना साधते हुए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर चीन हांगकांग की स्वतंत्रता को लेकर द्विपक्षीय समझौते को भंग करता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए एक महीने पहले ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन अब बिन देर किए हुए नए अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और मैं इस प्रक्रिया में कहीं भी नहीं हूँ। पश्चिम बंगाल की सरकार पर लोगों से कमीशन लिए जाने के मामले में जारी राजनीति के बीच आज लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई। इस दौरान उन्हें शांत करवाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन को शांति से चलने दें, इसे बंगाल विधानसभा मत बनाइए। उच्चतम न्यायालय ने आज मेघालय में अवैध खनन को रोकने के मामले में असफल रहने के कारण राज्य सरकार को खनन में लगाई गई 100 करोड़ रुपए की राशि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा करवाने का निर्देश दिया है। देश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, जिसके तहत अरहर दाल की MSP 125 रुपए प्रति क्विंटल, तिल की 236 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन की 311 रुपए प्रति क्विंटल, सूर्यमुखी की 262 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द के दाल को 100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगला करने के ममता बनर्जी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 27 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर तीन भाषाओं बंगला, अंग्रेजी और हिंदी में बांग्ला रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था। राज्यसभा चुनाव के मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को राज्य के बाहर ले जाने का फैसला किया है, जिसके तहत गुजरात कांग्रेस अपने सभी 71 विधायकों को राजस्थान के माउंट आबू ले जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर है, इसलिए वो उन्हें गुजरात से राजस्थान शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जायरा वसीम द्वारा धर्म से दूर होने के कारण फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने को लेकर जारी बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जायरा के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि क्या रूढ़िवादिता सोच से तरक्की करेगा हिंदुस्तान का मुसलमान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब जल्द ही हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन स्क्वाड वेयर बनाने के लिए मंजूरी दे दी है, और अब हिंदी सहित 6 भाषाओं में ये फैसले वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फैसलों की कॉपी अंग्रेजी के अलावा हिंदी, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में उपलब्ध होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार द्वारा विधायकों को आम बांटने के मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बिहार में स्वास्थ्य समस्या है और सरकार आम बांट रही है, इसलिए जो भी ये आम खाएगा उसे गरीबों की आह लगेगी। मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है, और कहीं कहीं तो शुरुआती दौर में ही मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे बरसाती नदियां उफान पर आ गए हैं। इस बीच बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए स्टेट कमांड सेंटर से लेकर SDERF की टीम तक को तैनात कर दी गई है। झारखंड के हजारीबाग जिले के 9 प्रखंडों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर 600 लोगों द्वारा मिलकर 500 एकड़ से अधिक वन भूमि को बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले में 500 से अधिक लोगों को नोटिस भी भेजा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज विलफुल डिफॉल्टरों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि देश के सरकारी बैंकों के विलफुल डिफॉल्टरों के पास वित्त वर्ष 2018-19 में बकाया रकम का आंकड़ा 1.50 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसका एक तिहाई हिस्सा SBI बैंक के मामले में है। सिनेटरी वेयर उद्योग ने सरकार से उत्पाद की लागत को कम करने के लिए GST की दर को मौजूदा 18% से घटाकर 5% करके स्वच्छता को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया के प्रभावों को जानने के लिए किए गए एक शोध में दावा किया गया है कि WhatsApp जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ऐसा करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ICC वर्ल्ड कप 2019 में लगातार नजरअंदाज किए जाने के बाद क्रिकेटर अंबाती रायडू ने आज क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि विजय शंकर के टीम से बाहर होने के बाद BCCI ने मयंक अग्रवाल को विश्व कप टीम के लिए चुना था, जिससे रायडू नाराज हो गए। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है, जिसके चलते सुपर हिट हो चुके यह फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ रुपए की कमाई के करीब पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस फिल्म की कुल कमाई 196 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। अपनी आगामी फिल्म जजमेंटल है क्या को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि फिल्म जजमेंटल है क्या की कहानी उन्हें अपनी असल जिंदगी की कहानी जैसी लगती है। अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें पागल कहें या मेंटल, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद का बजट सत्र जारी है और इस कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन के पटल पर सरकार की आर्थिक नीतियों का खाका पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के अलावा 5 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट की झलक भी मिलेगी। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर है आपके लिए बेहद जरूरी। दरअसल केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जिसके तहत सरकार अब सभी मंत्रालयों और विभागों से हर महीने ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मांगेगी जिन्हें समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया है, जिसमें जल संचयन को विशेष महत्व दिया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले 100 दिनों के भीतर जल संचयन से जुड़ी 10 लाख परियोजनाओं को मनरेगा के तहत पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा नहीं देने से मनाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता अगले 2 दिनों तक राहुल गांधी के आवास के बाहर अनशन करेंगे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस बार राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक स्तर पर फैली अनियमितताओं के मामले में 600 कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा को जबरन रिटायरमेंट दे दिया है और माना जा रहा है कि अभी 200 और कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। ज्योति प्रिय मलिक, उनके सहायक, एक पार्षद और राज्य से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इन व्यापारी बंधुओं ने शिकायत की थी कि उनसे एक नर्सिंग होम बनाने की मंजूरी के बदले उनसे 30 लाख रुपए मांगे गए थे। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से रत्नागिरी में स्थित तिवरे डैम डूब गया है, जिसकी वजह से डैम के पास बसे करीब 7 गांवों में बाढ़ आ गई है, जिसमें करीब 2 दर्जन लोग गायब बताए जा रहे हैं। भगोड़े भारतीय उद्योगपति विजय माल्या को प्रत्यर्पण मामले में लंदन हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए अदालत में अपील करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में अब 2 से 3 महीने का अतिरिक्त समय लगेगा, जिससे माल्या के प्रत्यर्पण में और अधिक समय लग सकता है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के भारतीय हिस्से का काम 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाने का दावा करते हुए PM नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और बताया गया कि टर्मिनल पर 177 करोड़ और सड़क पर 120 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केरल में चर्च के 2 धड़ों के बीच 2017 के अनबन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करने पर तल्ख तेवर दिखाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि क्या केरल कानून से ऊपर है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के मुख्य सचिव को गिरफ्तार करने की भी बात कही है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र ने उत्तर भारत में असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते मानसून ने देरी से ही सही लेकिन राजस्थान में दस्तक दे दी है
और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में मानसून हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों में झमाझम बरस सकता है। तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की अमेरिका की मांग को ठुकराते हुए तेल उत्पादन करने वाले देशों के संगठन OPEC ने उत्पादन को कम करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो भारत में तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। मुस्लिमों के खुले में नमाज के जवाब में एक बार फिर से कोलकाता के हावड़ा में बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 25 जून को भी हावड़ा के बाली खाल के नजदीक के हनुमान मंदिर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। नेशनल हेराल्ड के प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि AGL की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसीलिए ऐसे में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे खारिज कर देना चाहिए। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला है कि अधिकांश भारतीय करदाताओं को इस बात की उम्मीद नहीं है कि 5 जुलाई को पेश किए जाने वाले आगामी केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर नीति में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि टिकटॉक भारतीयों का डेटा चीनी सरकार को भेज रहा है, जिस पर जवाब देते हुए टिकटॉक ने थरूर के दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि वह अपने भारतीय ग्राहकों का डेटा भारत में स्टोर करता है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के होने के भारत के दावे को सही साबित करते हुए अमेरिकी जांच एजेंसी ने लंदन के कोर्ट में दावा किया है कि डी कंपनी का सरगना पाकिस्तान के कराची में है और वहीं से अपने नेटवर्क को चला रहा है। इंदौर से भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जिस जर्जर मकान को जमींदोज करने के इंदौर नगर निगम के फैसले पर रोक लगाए जाने की गुहार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से लगाया था, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ किया है कि उनकी सरकार पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व PM नवाज शरीफ के घपलों के मामले में कोई नरमी नहीं बरतेगी। उन्होंने दोनों नेताओं को प्रस्ताव दिया है कि यदि वे पैसे वापस कर देते हैं तो उन्हें पाकिस्तान छोड़ने की अनुमति मिल जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि IL&FS द्वारा कई सारे डिफॉल्ट किए जाने के बाद नकदी संकट से जूझ रहे गैर बैंकिंग वित्त कंपनी सेक्टर पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।